आज शहर कांग्रेस विक्रांत सेल के तरफ से माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन दिया गया है, जिसमें हमने ये मुतालबा करे है कि जैसा कि कोरोना महामारी के चलते 3 महीने से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, इसके बीच औरंगाबाद से सभी दिव्यांगों को अभी तक संजय गांधी जो लाभार्थी उन्हें अभी तक पैसा मिला नहीं है। तो शहर कांग्रेस विक्रांत सेल की तरफ से ये मांग की गई है कि जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें जल्द से जल्द पैसा मुहैया किया जाए, ताकि इस लॉकडाउन में उन्हें कोई परेशानी का सामना ना हो। इस पर कलेक्टर साहब ने हमें यह यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द दिव्यांगों के खाते में संजय गांधी की निधि बहुत जल्द उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ये हमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और हम कलेक्टर साहब से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दिव्यांगों की निधि से बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाए। मैं अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग से, शेख सुल्तान विकलांग सेवा उपाध्यक्ष। आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना एक निवेदन दिलं, त्या निवेदनामध्ये आम्ही संजय गांधी आधार योजनेचे विकलांगांना त्यांची पेन्शन मिळाली नाही, 3 ते 4 महिने झालेला आहे, तरी आम्ही कलेक्टर साहेबांना असं निवेदन दिलेलं आहे की सरांनी लवकरात लवकर विकलांग बांधवांच्या खात्यामध्ये त्यांचे पैसे जमा करावे। कोविड-19 चालतात, विकलांगांची फारच परिस्थिती गंभीर झालेली आहे, तरी जिल्हाधिकारी साहेबांना डीएम साहेबांना आम्ही अशी हात धरून विनंती करतो की साहेबांनी लवकरात लवकर याच्याकडे लक्ष देऊन आमच्या दिव्यांगांच्या खात्यावर त्यांची निधी जमा करावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।